नमस्कार, मैं हूँ सारिका पंकज। आप सबके लिए साहित्य तक पर हर रविवार को कालजयी कहानियाँ लेकर आती हूँ। आज की कहानी है फणीश्वरनाथ रेणु की। उन्हें चुनने का कारण ये है कि 4 मार्च को उनका जन्मदिन था। 4 मार्च 1921 को उनकी पैदाइश हुई थी और उसी उपलक्ष्य में उनकी कहानी पढ़ूंगी मैं, नैना जोगिल। रत्नी ने मुझे देखा तो घुटने से ऊपर खोसी हुई साड़ी को कोंचा की जल्दी से नीचे गिरा लिया। सदा सायरन के भांति गूंजने वाली उसकी आवाज कंठ नली में ही अटक गई हो जैसे। साड़ी की कोंचा नीचे गिराने की हड़बड़ी में उसका आंचर भी उड़ गया। कोंचा कहते हैं उसे जिसे शहर में प्लीट्स बोलते हैं साड़ी को, उस संकरी पगडंडी पे जिसके दोनों ओर झरबेरी के कांटेदार बाड़े लगे हों, अपनी भलमनसाहत दिखाने के लिए गर्दन झुकाकर आंखें मूंद लेने के अलावा बस एक ही उपाय था। मैंने वही किया, यानी कि पलट गया। मेरे पीछे पीछे रत्नी ने अपने उघड़े हुए तन बदन को ढक लिया और उसके कंठ में लटकी हुई एक उग्र अश्लील गाली पटाखे की तरह फूट पड़ी। मैं लौटकर अपने दरवाजे पर आ गया और बैठकर रत्नी की गालियां सुनने लगा। नहीं, वो मुझे गाली नहीं दे रही थी। जिसकी बकरियों ने उसके पाट का सत्यानाश किया है, उन बकरी वालियों को गालियां दे रही थी। सारा गांव, गांव के बूढ़े बच्चे, जवान औरत मर्द उसकी गालियां सुन रहे हैं। लेकिन क्यों सुन रहे हैं? शायद सच ही उनके सुनने और मेरे सुनने में फर्क हो। मैं सचेतन रूपेण, यानी कि जिस तरह रेडियो से प्रसारित महत्वपूर्ण वार्ताएं सुनता हूँ, इन गालियों को भी सुन रहा हूँ। कान में उंगली डालने के ठीक विपरीत एक एक गाली को कान में डाल रहा हूँ। उसकी एक एक गाली नंगी अश्लील तस्वीर बनाती है, बिल्कुल ब्लू फिल्मों की तरह। उदाहरण मांग रहे हैं? उदाहरण देकर थाना, पुलिस, अदालत, फौजदारी को नियुक्तना नहीं चाहता मैं। सर की माँ ने टोका था शायद उसे। गांव भर की बकरी वालियों को सार्वजनिक गालियां दागने के बाद रत्नी ने रमेशर की माँ के प्रजास्थान को लक्ष्य करके एक महास्थूल गाली दे दी। रमेशर की माँ ने टोका, पहले खेत में चलकर देखो एक विपत्ति जो कहीं चरी हो। रत्नी अब तक इसी टोक की प्रतीक्षा में बैठी थी शायद। अब उसकी बोली जो है वो लयबद्ध हो गई। वो प्रत्येक शब्द पर विशेष बल देकर हाथ और उंगलियों से भाव बतला कर कहने लगी कि वो पाट के खेत में जाकर क्या देखेगी अपना। भले घर की लड़की होती तो कहती अपना सर, किंतु रत्नी सिर के बदले अपने अन्य हिस्से का नाम लेती है। भला बताओ, ऐसा कहीं होता है? इसके बाद बहुत देर तक रत्नी की बातें मैं सुनता रहा, लेकिन उन्हें लिख नहीं सकता। वारंट का डर है भाई। किंतु रत्नी के बारे में अब कुछ नहीं लिखा गया तो जीवन में कभी नहीं लिखा जाएगा, क्योंकि रत्नी की गालियों में मर्माहत और अपमानित करने के अलावा उत्तेजित करने की तीव्र शक्ति है। ये मैं हलफ लेकर कह सकता हूँ। रत्नी का नाम नैना जोगिन मैंने ही दिया था। तब वो 7-8 साल की रही होगी। नैना जोगिन क्यों दिया था? देहात में झाड़ फूंक करने वाले ओझा गुणियों के हर मंत्र के अंतिम आखिर में बंधन लगाते हुए कहा जाता है, दुहाय इस महादेव गौरा पार्वती नैना जोगिन इत्यादि। लगता है कोई नैना जोगिन नाम की भैरवी ने इन मंत्रों को सिद्ध किया था। जैसे 7 साल की उम्र में ही रत्नी ने गांव के एक धनी प्रतिष्ठित वृद्ध को फिल चक्कर में डाल दिया था। उसकी बेवा माँ वृद्ध की हवेली की नौकरानी थी। पंचायत में 7 साल की रत्नी ने अपना बयान जिस बुलंदी और विस्तार से दिया था, कोई जन्मजात नैना जोगिन ही दे सकती थी। अब तो उसकी जामुन की तरह कजराई आंखें भी उसके नाम को सार्थक करती हों जैसे। किंतु 7 साल की उम्र में ही इलाके में कहर मचाने वाली लड़की से आंख मिलाने की ताकत गांव के किसी बहके हुए नौजवान में भी न हुई हो कभी। उसको देखते ही आंखों के सामने पंचायत, थाना, पुलिस, फौजदारी, अदालत, जेल सभी के सभी एक साथ नाचने लगते। रत्नी की माँ सरकारी वकील को भी कानून सिखा कर आई है, बहस कराई थी सेशन कोर्ट में। सो पिछले
11 वर्षों में रतनी की माँ ने मुंह के जोर से ही 15 एकड़ जमीन अरज लिया है। पिछवाड़े में लीची के पेड़ हैं, दरवाजे पर नींबू, सूद पर रुपए लगाती है, 10 पैसा हाथ में है और घर में अनाज भी है। इसलिए अब गांव की जमींदारिन भी वही है। गांव के पुराने जमींदार और मालिक जब किसी रैयत पर नाराज होते तो इसी तरह गुस्सा उतारते थे, यानी उसकी बकरी गाय वगैरह को पड़ती जमीन पर से ही हाँक कर दरवाजे पर ले आते और गालियां देते, मारपीट करते और अंगूठे का निशान लेकर ही आखिर में खुश होते थे। रमेशर की माँ कल हाट जाते समय लीची की टोकरी नहीं ले गई ढोकर, इसलिए रतनी और रतनी की माँ ने आज इस झगड़े का सृजन किया है, बिल्कुल जान बूझ कर किया। रमेशर का बाप मेरा हलवाहा है। रमेशर हमारे भैंसों का रखवाला यानी कि भैंसवार है। रमेशर की माँ हमारे घर बर्तन बासन मांजती है, धान कूटती है, इसलिए रत्ना अपनी गालियों का मुख धीरे धीरे हमारी ओर करने लगी। तो किसका डर दिखलाती है रे, शहर से आए भतार का? रोज मांस मच्छी और ब्रांडल पीकर तेरे तेल बढ़ गया है, हैं? मुझे अचानक रमेशर की माँ की गंदी हल्दी प्याज लहसुन पसीना मैल की सम्मिलित गंध भरी साड़ी की महक लगी। लगा अब रतनी मुझे बेपर्द कर देगी, नंगा करेगी सो अलग, खुद अपने को उसने पिछले 1 घंटे में 60 बार नंगा किया है। अर्थात जब जब उसने गाली का रुख हमारी ओर किया, हर बार ये कहना नहीं भूली कि रमेशर की माँ जिसका डर दिखलाती है वो मुंसा रतनी का अति भी नहीं कर सकता। ऐसे में मद की मुंसा को वो अपने अति में दाहिने बाहिने बांध के रखती है। बगुला पंखी धोती कुर्ता और घड़ी छड़ी जूता वाले शहरी छैल चिकनिया लोग ऊपर से लकदक और भीतर से फोंक होते हैं। सफा चट मोच मुंडाए मुछ मुंडा लोगों की सूरत देखकर भूलने वाली बेटी नहीं रतनी। रतनी की माँ को इतना गुमान है कि बड़े बड़े वकील मुख्तार के बेटों को देखकर भी उसकी बेटी की अर्थात जीभ नहीं पनियाई, कभी डकार भी नहीं लिया। रतनी अपनी आंगन से निकलकर आई थी, रमेशर की माँ ने कोई जवाब दिया होगा शायद। अब रतनी और रतनी की माँ दोनों मिलकर नाचने लगी। उसका घर दरवाजे से 10 रस्सी भर दूर है, लेकिन सामने ही है। मैं रतनी और रतनी की माँ का नाच देखने को बाध्य था। रतनी की काव्य प्रतिभा ने मुझे अचंभे में डाल दिया। उसकी टटकी और तुरंत रची हुई पंक्तियों में वो सब कुछ था जो कविता में होता है। बिंब, प्रतीक, व्यंग तथा गंध, बतौर बान की अटना का साहब और पटना की मेम, रात खाए मुर्गी और सुबह करे नेम, तेरा झुमका और नथिया और साबुन महकौआ, तो पान में जर्दा खाए नखलौआ। रतनी और रतनी की माँ का यह काव्य नाटिका समाप्त हुआ तो मैंने दरवाजे पर बैठे गांव के 2-3 नौजवानों की ओर देखा। मेरा चेहरा तमतमाया हुआ था, किंतु वे निर्विकार और निर्मल मुद्रा में थे। परिवार तथा पट्टीदार के मर्द पुरुषों की ओर देखा तो वो पान चबा रहे थे, हुक्का गुड़गुड़ा रहे थे। लगता था इन लोगों ने रतनी की गालियां जैसे सुनी ही नहीं हूं। मैंने जब भोजन के समय बात चलाई तो परिवार के एक व्यक्ति ने, जिन्हें शहर के नाम से ही जड़ैया बुखार धर दबाता है, हंसकर कहा, शहर से आने के बाद आप कुछ दिन तक ऐसी असभ्यता ही करेंगे, यह हमें मालूम है। इन छोटे लोगों की गाली पर इस तरह ध्यान कोई भला मानुस नहीं देता। इस तरह गालियों के अर्थ को प्याज के छिलके की तरह उतार उतार कर समझने का क्या मतलब है? शहर में क्या औरतें गाली नहीं देती? अजब इंसाफ है। गाली सुनकर समझना अन्याय है, असभ्यता है, मन में मैल है मेरे। अश्लील और घिनौने मुकदमे के कारण रतनी की बदनामी बचपन से ही फैलती गई। जवान हुई तो बदनामियां भी जवान हो गई। फलतः गांव के हिसाब से पक जाने पर भी कोई दुल्हा नहीं मिला। मिलता भी तो घर जमाई होकर रहना नहीं चाहता। 2 साल हुए निमुचिया जवान न जाने किस गांव से आया, सांझ में और रात में भात खाने के लिए घर के अंदर गया तो रतनी की माँ एक हाथ में सिंदूर की पुड़िया और दूसरे में फरसा लेकर खड़ी हो गई। छदोड़ी की सीध में सिंदूर डालो, नहीं तो अभी हल्ला करती हूँ कि घर में चोर घुसा है। अब तो सीखिया नौजवान जो हर सुबह को शीशम की कोमल पत्तियां तोड़कर ले जाता था, वही है रतनी का रतन धन।
पूछताछ करने पर पता चला कि हाल ही में एक रात को रतनी ने उसको लात से मारकर घर से निकाल दिया और चिल्लाने लगी, पूछो कोई इससे कि इतना दूध मलाई दही मांस मछली कबूतर जिस पर धात पुष्टि दवा तो अलाना ढेकाना खाकर भी जिस मर्द को आधी रात को हंफनी शुरू हो जाए उसका क्या कहा जाए। लोग दोख देते हैं मेरे कोख को कि रतनी बांझ है, नमक हराम और किसको कहते हैं। मैं अब इसे मानसिक विकार मानने लगा हूँ। अब तक सामाजिक समझ रहा था कि छोटी जात की औरत गांव की मालकिन हुई है, नहीं सामाजिक भी है। मेरे पट्टीदार के एक भाई ने कहा कोई उसका क्या बिगाड़ सकता है। गांव के सभी किस्म के चोर अर्थात लत्ती पत्ती और सीना जोर दिन डूबते ही उसके आंगन में जमा हो जाते हैं। इलाके का मशहूर डकैत परमेश्वरा रतनी की बात पर उठता बैठता है। मुखिया और सरपंच रतनी की माँ के खिलाफ चू भी नहीं कर सकते। रतनी की माँ से कोई रार मोल लेना नहीं चाहता, इसलिए दिन भर गांव के हर टोले में दोनों घूम घूम कर झगड़ा करती फिरती हैं। रतनी अकेले खस्सी को जिबा कर देती है। रतनी की माँ चोरी का माल खरीदती है जैसे कि थाली लोटा गिलास। सुबह को मालूम हुआ शहर से आया हुआ मेरा प्रेस्टिज कुकर गायब है। दोपहर के बाद धोती गुम। रात में रमेश्वर की माँ फिसफिसा कर आंगन में कह रही थी, रतनी बोलती थी कि सिद्ध करके छोड़ेगी इस बार। उस दिन इस तरह पीठ दिखाना अच्छा नहीं हुआ शायद, और ये सब इसलिए कि मैंने रतनी के तथाकथित पुरुष को बुलाकर उसका पता ठिकाना पूछा था और उसको समझाया था कि गांव में अब एक नई बात चल पड़ी है। उसने बीवी की मार सहली, नतीजा ये हुआ कि कई औरतों ने अपने घर वालों को पीटा इस गांव में। रतनी ने चिल्ला चिल्ला कर सारे गांव के लोगों को सूचना देने के लहजे से सुनाया था, सुन लो लोगों, अब इस गांव में फिर एक सेशन मुकदमा उठेगा, सो जान लो इस शहर का कानून यहाँ छांटने आया है। कोई अपने घर वाले को लात मारे या चुम्मा ले, दूसरा कौन है बोलने वाला। देहात से लेकर शहर तक तो छछुआते फिरता है, कहे नहीं कोई मौगी मुंह में चुम्मा लेती है। मैं रोज हारता, रतनी रोज जीतती। मुझे स्वजनों ने सतर्क किया, सांझ होने के पहले ही मैदान से घर लौट आया करो। किसी ने शहर लौट जाने की सलाह भी दे डाली। मुझे लगता रोज ताल ठोक कर एक नंगी औरत पहलवान की तरह मुझे चुनौती देती है, थप्पड़ घूंसे चलाती है, भागूंगा तो गांव की सीमा के बाहर तक पीछे पीछे फटा कनस्तर पीटती और बकरे की तरह बो 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 करती जाएगी। गांव भर के लोग तालियां बजाकर हंसेंगे। मुझे हथियार डाल देना चाहिए। एक औरत सो भी ऐसी औरत से टकराना बुद्धिमानी तो बिल्कुल भी नहीं है। एक सप्ताह तक चोरी चपाटी करवाने के बाद एक नया उत्पात शुरू किया। रात भर हमारे दरवाजे और आंगन में हड्डियों की जैसे बरखा होती। नंगी औरत टाल ठोक कर ललकार रही है, मर्द का बेटा है तो मैदान में आ। मैदान में मुझे उतरना ही पड़ा। रात में नींद खुली, दरवाजे के सामने जो नया बाग हम लोगों ने लगाया है उसमें भैंस का बच्चा घुस गया शायद। मैं धीरे धीरे बाड़े के पास गया, पट से आवाज आई। अमलताश के कोमल पौधे को तोड़कर गुलमोहर की ओर बढ़ते हुए हाथ को मैंने खप से पकड़ा। कलम घिसाई के बावजूद पंजे की पकड़ में अब तक खम बचा हुआ था। क्यों, मैंने बहुत धीरे से पूछा। छोड़िए, जवाब भी उसी अंदाज में मिला। क्यों तोड़ा है, क्या मिला, क्यों तोड़ा बताओ। तोड़ा तो क्या कर लीजिएगा, मैं लोगों को पुकारता हूं, खुद फंस जाइएगा, हाथ छोड़िए। फंसा के तो देखो, मैं नहीं डरता हूं। क्या चाहते हैं आप, मैं जानना चाहता हूं कि तुम इस तरह मेरे पीछे क्यों पड़ी हो, इस पौधे को क्यों तोड़ा। वो तो पौधा ही है जी, तो आपको भी तोड़ देने का करता है, हाथ छोड़िए। मैंने देखा उसकी कनपट्टी पर एक सांप का फण, फण नहीं भाला, बर्छे की तरह फली। मैंने हाथ छोड़ दिया, वो भागी नहीं खड़ी रही। मुझे चुप और अवाक देखकर बोली, चिल्लाऊं कोरिया डरावे थूक से। रतनी हंसी, तारों की रोशनी में उसकी हंसी झिलमिलाई। जाइए थोड़ा और ब्रांडिल और चढ़ाइए। तुम नैना जोगिन हो। हाँ नैना जोगिन ही हूं। तब माधव बाबू, अब रतनी करीब सटाई,
मेरा क्या कसूर है जो 12 साल से बनवास दिए हुए हैं आप लोग? उस बूढ़े को करनी का फल चखाया तो क्या भेजा किया? मैं उस समय उसकी पोती की उम्र की थी, सो आप लोगों ने, खास करके आप दोनों भाइयों ने, हम लोगों को रंडी से बदतर कर दिया। आखिर आपके जन्म के दिन रतनी की ही माँ सौर घर में थी। 5 साल तक आप रतनी की माँ की गोद और आंचल में रहे और आपकी आंख में जरा भी पानी नहीं। मैं जवान हुई, आप लोगों ने आंख उठाकर कभी देखा नहीं कि आखिर गांव घर की एक लड़की ऐसी जवान हो गई और शादी क्यों नहीं होती? अब इस बार आए हैं तो कभी आपके मन में ये नहीं हुआ कि रतनी की शादी हुए 2.5 साल हो रहे हैं, रतनी को कोई बच्चा क्यों ना हुआ? अटना, पटना, दिल्ली, दरभंगा, आपके इतने डॉक्टर डॉक्टरनी जान पहचान के हैं, आखिर रतनी की माँ का दूध साल भर तक पिया है आपने? रतनी की माँ को बहुत दिनों तक आपने माँ कहा था। लोगों को याद है दूध का भी एक संबंध होता है कि नहीं? मैंने कहा, रतनी, रमेश सर जग रहा है, मैं कुछ नहीं समझता, तुम जाओ, कोई देख लेगा। देख कर क्या कर लेगा? रतनी ने बेलाग बेलौस एक अश्लील बात अंधेरे में आग की तरह उगल दी। देख कर आपका अथी और मेरा अथी उखाड़ लेगा क्या? बोलिए, मैं पापिन हूँ, मैं अछूत हूँ, मैं रंडी हूँ, जो भी हूँ आपकी हवेली में पली हूँ। तकदीर का फेर माधव बाबू, तकदीर का फेर। रतनी नाम भी आपके ही बाबूजी का दिया हुआ है, आपने उसको बिगाड़ कर नैना जोगिन कर दिया। किस कसूर पर? आप लोगों का क्या बिगाड़ा था रतनी की माँ ने, जो इस तरह बोल चाल उठ बैठ एकदम से बंद? मैंने धीरे से कहा, ऐसे गांव में अब कोई भला आदमी कैसे रह सकता है? लगा नागिन को जैसे ठेस लगी हो, फुफकार उठी, भला आदमी, भला आदमी, भला आदमी को पूछ सिंह होता है क्या? नहीं होता, इसीलिए पूंछ सिंह जानवर, औरत मर्द, नंगे बेपर्द, अंधकार प्रकाश गुर्राहट, आंखों की चमक, बड़े बड़े नाखून, बिल्ली शिवा, वृद्धास्या, योनिष्या, भगनी भोगिनी, महाकुंश स्वरूप, छिन्नमस्ता, अट्टहास। अट्टहास सुनकर चौंका, रत्नी कहाँ है? वो तो साक्षात नील सरस्वती थी। इस बार गांव में, गांव के आसपास ये खबर बहुत तेजी से फैली कि नैना जोगिन का जोग माधव बाबू पर खूब ठिकाने से लगा है। रमेश्वर की माँ को एक दिन खोई हुई चीजें टोकरी में मिली, घर में ही। रतनी ने माधव बाबू को भेड़ा बनाया है तो माधव बाबू ने रतनी का विष दंत उखाड़ दिया है। बोले तो एक भी गाली, गंदी या अच्छी? रतनी और उसके नामर्द मर्द को मैं अपने साथ शहर लेता आया हूँ। डॉक्टर को अचरज होता है कि मैं रतनी के लिए इतना चिंतित क्यों हूँ। उन्हें कैसे समझाऊं कि यदि रतनी को कोई बच्चा नहीं हुआ तो वो मेरे बाग के हर पौधे तोड़ देगी, गांव के सभी पेड़ पौधों को तोड़ देगी, गांव के सभी लोगों को तोड़ेगी, गाँव में हड्डियाँ बरसवाएगी, नंगी नाचेगी, अश्लील गालियाँ देती हुई सभी को ललकारेगी। सांवली सलोली लंबी स्वरूप पूर्व यौवना नैना जोगिन। जांच पड़ताल के समय जब रतनी की लंबाई नापी जाती है, वजन लिया जाता है, पेट टटोला जाता है तो मेडिकल कॉलेज की लेडी स्टूडेंट्स से लेकर डॉक्टर तक हैरत से मुंह बाए रहते हैं, औरत ऐसी? 5 दिन हुए हैं। पड़ोस के मल्होत्रा साहब की नौकरानी को 2 दिन वो फ्लैट के नीचे उठाकर फेंकने की धमकी दे चुकी है। शहर की सड़ी हुई गर्मी को रोज 5 अश्लील गालियां देती है। उसका घरवाला गांव लौटने को कुनमुनाता है तो घुड़क देती है, हाँ जब आ गई हूँ तो यहाँ हो चाहे लहरिया सराय, चाहे कलकत्ता, जहाँ से हो कोक तो भर के ही लौटूंगी। गांव तुमको जाना हो तो माधव बाबू टिकस कटा के गाड़ी में बैठा देंगे, मैं किस मुँह से लौटूंगी खाली। कोई जादू जानती है सचमुच रतनी, कोई शब्द उसके मुँह में अश्लील नहीं लगता। ये कहानी फणीश्वरनाथ रेणु की है। हिंदी साहित्य जगत में रेणु जी को बेहद सम्मानजनक स्थान हासिल है। रेणु का जन्म 4 मार्च 1921 को बिहार के अररिया जिले में फारबिसगंज के पास औराही हिंगना गांव में हुआ था। उनकी शिक्षा भारत और नेपाल में हुई। प्रारंभिक शिक्षा फारबिसगंज तथा अररिया में पूरी करने के बाद रेणु ने मैट्रिक नेपाल के विराटनगर आदर्श विद्यालय से
कोइराला परिवार में रहकर की। इन्होंने इंटरमीडिएट काशी हिंदू विश्वविद्यालय से 1942 में की, जिसके बाद वे स्वतंत्रता आंदोलन में कूद पड़े। बाद में 1950 में उन्होंने नेपाली क्रांतिकारी आंदोलन में भी हिस्सा लिया, जिसके परिणाम स्वरूप नेपाल में जनतंत्र की स्थापना हुई। पटना विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों के साथ छात्र संघर्ष समिति में सक्रिय रूप से भाग लिया और जयप्रकाश नारायण की संपूर्ण क्रांति में अहम भूमिका निभाई। 1952-53 के समय वे भीषण रूप से रोगग्रस्त रहे थे, जिसके बाद लेखन की ओर उनका झुकाव हुआ। उनके इस काल की झलक उनकी कहानी तबे एकला चलो रे में मिलती है। उन्होंने हिंदी में आंचलिक कथा की नींव रखी। कालजयी कहानियों की कड़ी में मैं सारिका पंकज उनकी ये कहानी नैना जोगिन लेकर आज आपके समक्ष उपस्थित थी। अगली कहानी अगले रविवार को अगली कालजयी रचना के साथ फिर से आऊंगी। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। नमस्कार।